नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। शो की शुरुआत तुलसी बाबा की एक चौपाई से, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये लिखा। क्या है प्रसंग? भरत जी ने अभी अभी आकर सभी को बताया है कि श्री राम अयोध्या से बस कुछ ही दूरी पर हैं। अब उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं, वरना लोकेशन सेंड करके पक्की दूरी भी पता चल जाती। इस चौपाई में तुलसी लिखते हैं कि प्रभु के अवधपुरी में आने की बात सुनकर पूरी नगरी शोभा की खान हो गई। हर ओर तीन प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी इतनी प्रसन्न हो गई कि उनमें जल की निर्मलता बढ़ गई। ये बात है त्रेता युग की, शास्त्रों की, कल्पनाओं की। समय बदला, उन्हीं शास्त्रों के मुताबिक अब कलयुग है। आज जब राम जी के अयोध्या वापस लौटने की बात को हम सेलिब्रेट करते हैं तो पटाखे जलाकर हवा में जहरीला धुआं छोड़ते हैं। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका ऐसा हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल। आप सड़क पर ना तो दूर तक देख सकते हैं और ना ज्यादा देर बिना खांसे रह सकते हैं। पिछले साल की दिवाली की अगर हम बात करें, साल 2017 की, तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो था 319। गुड कैटेगरी में होने के लिए इसे 0 से 50 के बीच होना चाहिए। 319 पुअर कैटेगरी में आता है। पिछले साल क्या हुआ? दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था और इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2016 के मुकाबले कुछ सुधार आया था। 2016 की दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स था 431 और ये सीवियर कैटेगरी में आता था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो ये सीवियर से पुअर में आ गया। माने मामला गंभीर था, कोर्ट के दखल से कुछ दुरुस्त हुआ। इस साल फिर सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल क्या कहा? कहा कि दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे और इस दौरान जो पटाखे फोड़े जाएं वो कम आवाज वाले हों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के तर्कों को तर्कों पर भी बात करेंगे, पर पहले बात हमारी और आपकी। ये हमारे और ये आपके लिए तो नियम है। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती, ईमानदारी से कहूं तो, कि क्यों कोई जानबूझकर अपने होशो आवास में इस कदर शोर करने वाले, जहरीला धुआं छोड़ने वाले पटाखों को जलाता होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। 9वीं क्लास की बायो की किताब से। इंसान के शरीर में कई पुर्जे होते हैं, दिल, जिगर, नजर, छोटी आंख, बड़ी आंख, नाक, कान, लिवर, किडनी और न जाने क्या क्या। दो चीजें और होती हैं जो मुझे याद थी लेकिन इस लिस्ट में मैंने उनका नाम नहीं लिया। उनका नाम अलग से लेता हूं। पहली चीज दिमाग यानी ब्रेन और दूसरा फेफड़े यानी लंग्स। आज के माहौल में आपके फेफड़े कैसे होंगे ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दिमाग है और चलती कंडीशन में है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे और आपके फेफड़े इस वजह से ठीक ठाक चलते रहेंगे। वरना पटाखे जलाइए और कहते रहिए, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। आपकी बेवकूफियां राम जी की इच्छा कतई नहीं है, उन्हें राम जी ने नहीं रचा है, वो आप जी की बनाई हुई है और उनका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं केमिस्ट्री के जो कि दिवाली की अगली रात हवा में शामिल हो जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और ना जाने क्या क्या। इन नामों को यहाँ लेने से उनके इरादे नहीं बदलेंगे जिन्हें लगता है कि दिवाली में पटाखे जलाना उनका हक अधिकार है। ऐसे लोगों के मुंह से कई तर्क आपको सुनने को मिलते हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी मचला जाए। कोई कहता है कि अब कोर्ट हमें बताएगा कि पटाखे फोड़ें या नहीं। जी, कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ने तो काम करना बंद कर दिया है। आपको हवा में तैरता धुआं दिखाई नहीं देता क्योंकि आपकी नजरों के सामने अंध तर्कों का धुआं फैला हुआ है। एक तर्क और आता है कि हिंदू मुस्लिम, इसका देखो कैसे भेद हो रहा है। मुसलमान बकरे काटते हैं तो उनसे कुछ नहीं कहा जाता और हमसे कहा जाता है कि 2 ही घंटे पटाखे छुड़ाओ। आप मुझे बस इतना बता दीजिए ये तर्क देने के बाद
कि ईद पर बकरे काटे जाने से पर्यावरण कैसे और कितना प्रदूषित होता है। कोर्ट में साबित कर दीजिए, मेरी छोड़िए, कि ईद बकरीद में साहब बिरयानी पकने से आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आप मास्क लगाकर घूमने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे यकीन है कोर्ट बकरे काटने पर भी बैन लगा देगा और उसे लगा भी देना चाहिए। और ये बकरों की याद आपको ईद पर ही क्यों आती है? क्या साल भर कटने वाले बकरे सिंथेटिक होते हैं? एक बात याद रखिए, धुआं हिंदू मुसलमान नहीं देखता, हिंदुओं के फेफड़े स्टील के नहीं बने हैं जो दिवाली के धुएं से, धार्मिक धुएं से बच जाएंगे। एक और तर्क आता है और ये वाला तो वाकई मजेदार है। बताते हैं कि पटाखे छोड़ने से उसकी आवाज और धुएं से कीड़े मच्छर वगैरह मर जाते हैं। भाई मेरे, बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मच्छर मारते हैं, आप उन्हें खरीद लीजिए। मच्छर मारने वाली क्रीम लगाइए, कॉइल जलाइए, स्प्रे भी आते हैं और अब तो रैकेट भी आने लगा है मच्छर मारने वाला। पटाखों से कुछ नहीं होता। रही बात सरकार की, तो उसकी जान सांसत में है, क्योंकि कोर्ट ने अजीबोगरीब और बेतुका आदेश दिया है। 8 से 10 बम फोड़ सकते हैं। बताइए कोर्ट साहब, बम फोड़ेंगे 8 से 10, पर मॉनिटर कौन करेगा? क्या सरकार के कारिंदे हर गली और हर छज्जे पे खड़े होंगे? पराली जलाना प्रदूषण का बड़ा सोर्स है। पराली जलाने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गैर कानूनी घोषित किया है और ऐसा करने वाले किसानों पर 25,000 तक का फाइन भी लगाने की बात हुई है। लेकिन आप बताइए कितने किसानों पर कितनी सरकारों ने लगाया? ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है कोर्ट का टाइमिंग का फैसला। फैसला हमें और आपको करना है और जिन्हें हम और आप चुनते हैं उन सरकारों को करना है, वरना साल दर साल अक्टूबर आते आते दिल्ली एनसीआर में धुएं के ये जहरीले बादल मंडराएंगे, आप पटाखों के शोर के तले अपने फेफड़ों के सिसकारी वाले शोर को, जो बहुत मध्यम होगा, नहीं सुन पाएंगे। ये 8 से 10 की समय सीमा याद आई तो याद आया कि लाउडस्पीकर पर गाने बजाने पर भी तो 10 बजे तक की ही सीमा है, लेकिन कितना पालन होता है? नवरात्रों में कितना पालन हुआ? मस्जिदों के स्पीकर दिन में 5 बार अजान देते हैं, कितना पालन करते हैं? अब आप कहेंगे साहब ये अल्पसंख्यकों का मामला है, ये बहुसंख्यकों का मामला है। कोई मामला नहीं है, थोड़ी सी अकल थोड़े से तर्क का मामला है। सारी शोर मचाने वाली चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, पर बंद करेगा कौन? सरकार। लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि धर्म पर चोट होने के अंदेशे से कोई भी सरकार इस पचड़े में फंसना ही नहीं चाहती। हिंदू इस देश की मेजॉरिटी है और उनकी धार्मिक भावनाओं यानी अपने वोटों को हाशिए पर रखकर पर्यावरण की सेवा में कोई भी पार्टी नहीं जुटेगी। दीपावली यानी दीप धन अवली, दीर्घ संधि है यहां। दीप यानी दिए और अवली यानी एक पंक्ति में, यानी दीपावली का मतलब हुआ एक पंक्ति में सजाए गए जलते हुए दिए। आप इसे पटाखा वली बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक से है ये खबर और साथ में जुड़ा है सनी लियोनी का नाम। दरअसल सनी लियोनी की पहली साउथ इंडियन फिल्म आ रही है वीरमा देवी, और फिल्म के आने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। पोस्टर जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, कलाइयां काटी जा रही हैं। पहला सवाल इस पूरे प्रकरण में, क्यों हो रहा है विरोध? सनी की फिल्म वीरमा देवी या वीरम महादेवी पर है, वे वीरांगना थी। विरोध करने वालों का कहना है कि सनी लियोनी पहले पॉर्न स्टार थी, उनका वीरांगना का किरदार निभाना सही नहीं है, ये फिल्म से सनी को हटाने की बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि वीरमा देवी ने कर्नाटक में मंदिर बनाए थे, अब अगर सनी लियोनी उनका रोल करेंगी तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। कौन है ये विरोध करने वाले, कहाँ से आए हैं? प्रो कन्नड़ ग्रुप है, कन्नड़ रक्षणा वेदिका युवा सेने ये इसका नाम है। उसके लोगों ने बेंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर पोस्टर जलाए और कहा कि सनी लियोनी को शहर में नहीं आने देंगे। याद रखें कि यही वो ग्रुप है जिसने इस साल न्यू ईयर ईव पर बेंगलुरु में सनी लियोनी के डांस प्रोग्राम के समय भी प्रोटेस्ट किया था, सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी थी और इवेंट कैंसिल करना पड़ गया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म से सनी लियोनी को नहीं हटाया गया तो वो वैसा ही विरोध करेंगे जैसा करणी सेना ने राजस्थान में पद्मावत के फिल्म का किया था। अगला सवाल, फिल्म की क्या तैयारियां चल रही हैं? पीरियड फिल्म है, 100 करोड़ से ज्यादा का बजट है। सनी लियोनी ने फिल्म के लिए तमिल सीखी है ताकि एक्सेंट फेक न लगे। ढेर सारे फाइट सीक्वेंस हैं, इसलिए एलए से घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी ली है। अब आगे क्या होगा? 3 नवंबर को बेंगलुरु में सनी लियोनी की एक इवेंट होने वाली है। कन्नड़ रक्षका वेदी के युवा सेने वाले कह रहे हैं कि उस इवेंट के हमने 235 टिकट खरीद लिए हैं, अगर प्रोग्राम हुआ तो स्टेज पर चढ़कर प्रदर्शन करेंगे। उधर आयोजक कह रहे हैं कि हमने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की है और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे।
ये विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि सनी लियोनी की कोई गलती है, इसलिए हो रहा है कि दिमागों में गंदगी है। अगर आप इतने ही संस्कारी होते तो आपको कभी पता ही नहीं होता कि सनी लियोनी पहले क्या करती थी या पॉर्न क्या होता है। सनी लियोनी का काम एक्टिंग है, वो एक्टिंग कर रही हैं, घुड़सवारी सीख रही हैं, भाषा सीख रही हैं, एक नई भारतीय। वो पहले क्या करती थी क्या नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस थी और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले कि आप संस्कारों का डमरू बजाएं, ये आप ही है ना जो गूगल पे रात दिन सनी को सर्च करते हैं, और इसीलिए हर बरस गूगल की सर्च लिस्ट में इस देश में सनी लियोनी सबसे ऊपर होती हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर। अब बात ही चल रही है तो एक उदाहरण भी सुन लीजिए। जैकी चैन, कैमरून डियाज, सिल्वेस्टर स्टेलोन, रेनॉल्ड्स स्वाज़नेगर, बड़े बड़े नाम हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने भी पॉर्न फिल्मों में काम किया था, लेकिन ये बात उनको जीवन भर धोनी नहीं पड़ी। आप भी अतीत की लाश मत ढोइए, आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे 18 और 21 की वो लंतरानी जिसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने लिटिगेंट को चमका दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी ललन टॉप शो में। आसान भाषा में आपको समझाएंगे सुप्रीम कोर्ट की एक जनहित याचिका का मामला, 18 और 21 के फर्क का मामला। 22 अक्टूबर सोमवार का दिन सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पहुंची। अशोक पांडे नाम के वकील ने यह याचिका लगाई, मांग की कि पुरुषों की शादी की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। कहा कि अगर 18 साल में लड़के वोट दे सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते। अशोक को याचिका लगाना महंगा पड़ा। कोर्ट ने कहा याचिका में जनहित नहीं है, इसे खारिज कर दिया गया और 25,000 का जुर्माना लगा, सो अलग। लेकिन ये मामला क्यों है, ये फर्क क्यों है 3 साल का, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कानून क्या कहता है। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले शारदा एक्ट चलता था। 1930 के समय में बाल विवाह को रुकवाने के लिए हरबिलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट आया था, इसलिए इसे शारदा एक्ट कहते थे। 1978 में कुछ संशोधन हुआ। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके मुताबिक 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 की लड़की। अगर ऐसा नहीं है, इससे कम उम्र है, तो ये अपराध है, 2 साल की जेल हो सकती है, 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब दूसरा सवाल, लड़कों की उम्र ज़्यादा क्यों रखी गई। कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे लड़के देर से मैच्योर होते हैं, अपनी उम्र से 2 साल बुद्धू ही रहते हैं, लड़कियां अपनी उम्र से 2 साल ज़्यादा मैच्योर होती हैं, ये भावुक वजहें हैं। असल में क्या है, हार्मोन्स और प्यूबर्टी का जिक्र किया गया है। कहीं कहीं ये भी कहा गया कि लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नज़र नहीं आता। अब हमें लगा कि बाहर के देशों में देख ले वहाँ पर क्या है शादी की उम्र। अमेरिका से शुरू करते हैं, वहाँ लड़का और लड़की दोनों अगर 18 साल के हैं तो शादी कर सकते हैं। यूके, रूस और ब्राज़ील में भी शादी की उम्र 18 ही है। जापान में लड़का लड़की दोनों के लिए शादी की उम्र 20 साल है, कोई लिंग के आधार पर फर्क नहीं है। पर चीन में फर्क है और उम्र भी ज़्यादा है, लड़कों के लिए 22 साल, लड़कियों के लिए 20 साल। अब सवाल ये कि लड़कों की शादी की उम्र पर नई बहस क्यों शुरू हुई, क्योंकि एक नई मांग उठी है, वो ये कि लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक समान रखी जाए। वकील अशोक पांडे ये मांग करने वाले पहले आदमी नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी लॉ कमीशन की सलाह के बाद से। 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने परिवार कानून में सुधार के मुद्दे पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि अगर वोट डालने की उम्र 18 तय कर दी गई है, जिसमें नागरिक सरकार चुन सकते हैं, तो वो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकते, शादी की भी यही उम्र होनी चाहिए। हवाला दिया गया इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का, जिसमें बालिग होने की उम्र 18 साल मानी गई है। साथ में ये बात भी कही गई कि पति पत्नी की उम्र के अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है। लड़के की उम्र ज़्यादा रखना दकियानूसी है, शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर होते हैं, उम्र भी बराबर हो सकती है, क्योंकि साझेदारी, जिसका मतलब यहाँ शादी है, बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए। बेसिकली लॉ कमीशन ये कह रहा था कि शादी में ना कोई किसी से छोटा है ना बड़ा। अब अदालतें शादी की उम्र क्या तय करती हैं ये तो वही जाने, हो सकता है कल को लॉ कमीशन की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाए और मांगे मान ली जाएं। लेकिन अपनी शादी का फैसला आपके हाथ है। घरवालों के दबाव और मम्मी पापा को पोते का मुंह दिखाने की जल्दी और सबकी हो गई मेरी नहीं हुई वाले चक्रों में मत पड़िए। 18 हो या 21, ये उम्र बहुत कुछ करने की है, शादी करने की नहीं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दुनिया देखो, प्यार करो, और जब कोई अपना मिल जाए तब शादी करो। कल फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए दी ललन टॉप शो।